इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहले ही टेस्ट मुकाबले में आर अश्विन ने हारे हुए मैच को कैसे पहुंचा दिया जीत की दहलीज तक। 9 गेंद में 9 विकेट चटकाकर रच दिया इतिहास। आर अश्विन के सामने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज पानी मांगते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आर अश्विन ने कैसे 9 गेंदों में 9 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, और आप भी आर अश्विन को घातक खतरनाक गेंदबाज मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला 5 फरवरी से स्टार्ट होकर 9 फरवरी तक चलने वाला है, जहां पे सबसे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया था और 578 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जहां पर आर अश्विन ने पहली पारी में तो ज्यादा कुछ कमाल करके नहीं दिखाया, केवल 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। सबसे पहले रोरी बंस को 33 रन पे आउट करवा दिया ऋषभ पंत के हाथों। उसके बाद दोस्तों ओली पोप को 34 रन पे LBW आउट मार दिया अश्विन ने 15 ओवर की दूसरी गेंद पर। उसके बाद दोस्तों जेम्स एंडरसन को भी मात्र 1 रन पे चलता कर दिया अश्विन ने 190.1 ओवर में। फिर उसके बाद भारतीय टीम उतरी मैदान में बैटिंग करने के लिए, तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 337 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम उतरी आज सुबह मैदान में बैटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले जो बड़ा झटका लगाया इंग्लैंड की टीम को आर अश्विन ने, वो लगाया रोरी बंस के रूप में। रोरी बंस को पहले ही गेंद पर डायरेक्टली बोल्ड मार दिया। और उसके बाद दोस्तों दूसरा बड़ा झटका दिया इंग्लैंड की टीम को डोमिनिक सिबली के रूम में। डोमिनिक सिबली 16 रन बना के नाबाद खेल रहे थे कि आर अश्विन ने चेतेश्वर पुजारा के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया 11वें ओवर की आखिरी गेंद पे। उसके बाद दोस्तों बेन स्टॉक्स खेलने के लिए आए, ऐसा लग रहा था कि बेन स्टॉक्स यहाँ पे चक्के चौकों की बारिश करने वाले हैं, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होने दिया। आर अश्विन ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाने के बाद इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों चौथा बड़ा झटका दिया डॉम बेस के रूप में। डॉम बेस 25 रन बनाकर चलते बने LBW आउट कर दिया 43वें ओवर की पहली गेंद पर, इनको रास्ता दिखा दिया बाहर का। उसके बाद दोस्तों जोफ्रा आर्चर को 5 रन पे ही चलता कर दिया, डायरेक्टली बोल्ड मार दिया 47वें ओवर की पहली गेंद पे। और उसके बाद दोस्तों शाम होते होते जेम्स एंडरसन को भी 0 रन पे ही आउट करने के बाद पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आर अश्विन ने एंडरसन को डायरेक्टली बोल्ड मार दिया 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर। और इस तरीके से दूसरी पारी में आर अश्विन ने 17.3 ओवर में मात्र 61 रन देने के बाद 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं पहली पारी में 140 रन देने के बाद 55.1 ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों 9 गेंदों में 9 विकेट लेने के बाद इतिहास रच दिया है आर अश्विन ने। तो दोस्तों अब आर अश्विन की इस घातक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतने था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए UTV News 24।